Good morning to everybody. It's me, Pritesh Sir from Tapaswi Classes, Junagadh. Today we are going to start class 11, chapter number 1, named The Portrait of a Lady, written by one of the greatest Indian novelist, Khushwant Singh. First of all, let's discuss about the title, The Portrait of a Lady. Here, the lady means Khushwant Singh's grandmother, and the portrait means a drawing or a picture. Now let me explain to you the title. ये जो lady की बात खुशवंत सिंह कर रहे हैं वो खुशवंत सिंह की दादी, right? और ये portrait that means a drawing or a picture, कोई एक photograph, कोई एक drawing. तो इधर इस chapter में खुशवंत सिंह through the words, शब्दों के द्वारा हमें उसकी जो दादी थी, right? उसकी जो दादी थी उसके साथ उसका जो relationship था, the interaction था, right? जो कम्युनिकेशन था, राइट, वो कैसा रिलेशन, कैसा इंटरेक्शन, कैसा कम्युनिकेशन, राइट, वो सब हमें वो शब्दों से रीडर को वो इम्पैक्ट पहुंचाना चाहते हैं, वो ड्राइंग कराना चाहते हैं उसके माइंड में कि ऐसी थी मेरी दादी, ऐसा था मेरा रिलेशनशिप विथ माई ग्रैंड मदर, राइट. नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट लाइन, माई ग्रैंड मदर, लाइक Everybody's grandmother was an old woman. Khushwant Singh कह रहे मेरी जो दादी थी वो किसी की भी दादी हो वैसे ही दादी, old woman, right? तो किसी की भी दादी होती है वो old ही होती है, right? बूढ़ी होती है. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 साल तक, for the 20 years, 20 साल तक जब से मैंने उसे जाना, जब से मैं उसको जानता हूं, 20 साल का रिलेशनशिप मेरा. ये खुशवंत सिंह जब बचपन में थे, बचपन में जब उन्होंने अपनी दादी से जो रिलेशनशिप थे वो 20 इयर्स के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि मैं जब से उन्हें जानता हूं तब से 20 साल से वो ऐसी ओल्ड है. और आप सबको पता है कि जो ओल्ड लोग होते हैं उसके फेस पर, उसके चीक्स पर रिंकल्ड हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द लाइंस एंड फॉल्स, राइट. तो वैसे ही मेरी दादी के चेहरे पर भी वैसे ही रिंकल्ड थी, राइट, वैसे ही वो भी ओल्ड थी, राइट. और ऐसी मेरी दादी, और पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. खुशवंत सिंह कह रहे कि लोग कहते हैं कि जो मेरी दादी थी ना दादी, वो कभी एक जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम, कभी एक जमाने में यंग हुआ करती थी, राइट, यंग भी थी, प्रीटी, वो चार्मिंग थी, वो अट्रैक्टिव थी, राइट, वो ब्यूटीफुल थी, राइट. वैसे लोग कहा करते हैं, और कहते हैं लोग तो ये भी कहते हैं कि उसके भी एक हस्बैंड थे, राइट, उसका मतलब कि मेरे दादाजी भी थे, राइट. लेकिन बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव फॉर मी. खुशवंत सिंह कह रहे कि ये मेरे लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल है, टू एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, टू एक्सेप्ट दिस थिंग, टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट एज अ ट्रू, कि ये जो फैक्ट है उसको मैं सच मान लूं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि मैंने तो मेरी दादी को जैसे देखा वो बुढ़ी देखा, ओल्ड ही थे, रिंकल्ड थे, राइट, मैंने तो यही हालत में देखा, जब से देखा तब से ऐसे ही देखा, तो मेरे लिए तो ये यकीन ही करना मुश्किल है कि वो भी कभी यंग थी, वो भी कभी चार्मिंग दिखती थी, उसका भी वो हस्बैंड हुआ करता था, राइट, और वो मेरे दादा हुआ करते थे, राइट. तो ऐसा इमेजिन करना, ऐसा वो इमेजिन, वो फैक्ट को मेरी नजर से देखना, इट्स हार्ड टू बिलीव फॉर मी. नाउ दिस फर्स्ट लाइंस डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह. नाउ इट कम्स टर्न्स टू द ग्रैंड फादर ऑफ खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह क्या कहते हैं अपने ग्रैंडफादर के बारे में, देखते हैं. माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे जो दादा थे उसका जो पोर्ट्रेट था, जो ड्राइंग था, जो पिक्चर था, जो फोटोग्राफ था, वो हंग, वो ऐसे टंगा हुआ था. किधर टंगा हुआ था? मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. जो ड्राइंग रूम होता है उसमें जो फायर प्लेस होता है, और फायर प्लेस के ऊपर जो शेल्फ होती है, शेल्फ के ऊपर की जो जगह होती है वहां पर उसको मेंटल पीस बोलते हैं, वहां पर वो टंगा हुआ था मेरे दादा का पोर्ट्रेट, वो फोटोग्राफ. ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ. जो मेरे दादा का फोटो था उसमें, फोटो में
उसने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी, लूज फिटिंग क्लॉथ्स थे, राइट, ढीले ढाके क्लॉथ्स पहने हुए थे. हिज लॉन्ग एंड व्हाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उसकी जो लंबी व्हाइट कलर की जो दाढ़ी थी वो इधर चेस्ट पर इतना इतना पार्ट कवर कर रही थी, राइट. तो बहुत लंबी उसकी बियर्ड थी, और ही लुक्ड एट लीस्ट, वो फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा था कि वो कैसे दिखते थे. उस फोटोग्राफ से ऐसा मालूम हो रहा था, उसका अपीरियंस ऐसा था कि वो एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, के वो 100 ईयर्स के तो हो गए होंगे, राइट. ऐसा लगता था, मालूम पड़ता था वो फोटोग्राफ में से. ऐसे हम कह सकते हैं वो फोटोग्राफ से ही कि वो 100 साल के तो हो गए होंगे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, राइट. वो फोटोग्राफ में से ही ऐसा लग रहे थे कि सॉर्ट दैट मीन्स टाइप. वो फोटोग्राफ में से ही ऐसे लग रहे थे कि वो इतने साल के तो नहीं दिखते थे, 40, 45, 35, राइट, के उसकी एक वाइफ होगी और एक दो बच्चे हो गए, राइट. इतने साल के नहीं, फोटोग्राफ से ही पता चलता था कि वो 100 साल के हो गए, और 100 साल के पर्सन की वाइफ हो और दो नन्हे नन्हे बच्चे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो ऐसे दिखते थे उस फोटोग्राफ में जैसे कि उसके कई कई ग्रैंड चिल्ड्रन हो, राइट. ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकता है उसके बच्चे के बच्चे हो, कितने भी हो सकता है उसकी बच्ची के बच्चे भी हो, इतने साल के वो लग रहे थे, राइट. एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और मेरी दादी की जब तक जहां तक बात है, बींग यंग एंड प्रिटी, जो लोग कहते हैं कि वो यंग हुआ करती थी, वो प्रीटी हुआ करती थी, वो ब्यूटीफुल हुआ करती थी, लेकिन द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, राइट. बट ये जो थॉट है, ये जो बात है, राइट, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव. दैट वॉज द खुशवंत सिंह साइड, के खुशवंत सिंह ने क्या कहा कि जब तक मेरी दादी की बात है, जहां तक मेरी दादी की बात है कि वो यंग हुआ करती थी, वो प्रीटी हुआ करती थी, वो मेरे लिए तो ये बिलीव करना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि मैंने मेरी दादी को 20 साल तक ऐसे ही देखा, ओल्ड, उसके चेहरे पर, उसके चीक्स पर रिंकल्ड हुआ करते थे, राइट, लाइंस एंड फोल्ड्स हुआ करते थे, राइट. तो मैंने तो ऐसे, तो मुझे ये बिलीव करना कि वो यंग भी हुआ करती थी, वो चार्मिंग भी हुआ करती थी, इट वॉज वेरी हार्ड. सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो हमें कहती थी, मेरी दादी हमसे बात करते हुए हमें वो कहती थी कि मैं भी जब छोटी थी तब मैं भी कई गेम्स खेला करती थी, राइट. ऐसी बातें हमें हमारी दादी कहती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड. जो मुझे वो बात कैसी लगती थी, एब्सर्ड लगती थी, इलॉजिकल लगती थी, सिली लगती थी, राइट, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, राइट, अनडिग्निफाइड, डिसरेस्पेक्टफुल, अशोभनीय लगती थी वो बातें मुझे, क्योंकि मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि मेरी दादी भी कभी बच्ची होगी, राइट. मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि मेरी दादी भी एक बच्ची होगी और वो भी खेलती होगी, राइट. ये बात मुझे तो सिली लगती थी, ये बात मुझे तो अशोभनीय लगती थी. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस. ये बातें उसके बचपन की और उसने उसके खेलने की ये जो बातें थी वो हमने कैसे ली. हमने तो ऐसे ही ली कि जैसे वो कोई संत की बात, जो मॉरल स्टोरीज सिखाने के लिए जो कोई संत की बातें, जो फेबल्स, जो दंत कथाएं जो हमें सुनाती थी, राइट, जो सच में नहीं होती लेकिन एक मॉरल स्टोरीज होती है, राइट, जो गुड गुड लेसन टू बी टॉट, राइट, ऐसी होती है वो. वैसे ही जैसे हम दंत कथाएं लेते हैं उसकी, राइट, वैसे ही हमने भी ये बात उसकी बचपन की भी हमने ऐसे ही ले ली, राइट. ऐसे ही कोई एक दंत कथा है, इमेजिनरी स्टोरी है, ऐसे ही हमने तो वो ले ली, राइट. सो हियर इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, राइट, ऑफ क्लास 11. नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट पार्ट, राइट. वी विल बिगिन द नेक्स्ट पार्ट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, अर्जुन तारा.